नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए स्पेशल व्लॉग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5:19, घर से चले थे 5 बजे। हमारे साथ हैं राजा जी यानी आरके मीडिया और जा रहे हैं पटना के नवोदपुर, जहां पर आने वाले हैं हमारे बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो बैठे बिठाए लोगों के बारे में जान लेते हैं और लोगों की उत्सुकता जो है उनके प्रति काफी ज्यादा है, क्योंकि वह पहली बार बिहार आ रहे हैं और हम जा रहे हैं मुआयना करने। जाकर के आते हैं, फिर वहां पर पहुंचते हैं, जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं, हम किस तरह से सफर करते हैं, कितना टाइम लगता है। और ये रहा लोकेशन, फिट है, टंकी खाली है, रोसराम तेल भरवाएंगे, फिर चलिए दूसरी बार पटना जा रहे हैं। और आप? हम तो कितना बार गए हैं, इनको रूट भी पता है, हम भूल भी गए रूट। कुछ बोलना चाहिएगा तो बोल दीजिए, सुबह का समय है। हाँ, तो जितने भी प्यारे दर्शक है इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से कहना चाहेंगे आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसीलिए ताकि वहाँ का हर एक अपडेट है जो आपको इस चैनल पे मिलेगा, इस ब्लॉग पे मिलेगा। क्योंकि बाबा जी यहाँ जब पहली बार बिहार आ रहे हैं और पहली बार हम लोग भी बाबा जी से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो अभी हम लोग वहाँ का जगह के बारे में जानने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं क्या है, क्या कुछ व्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा है लोगों के लिए। तो आप लोग तक इस बात को जो हम लोग पहुंचाएंगे इस मतलब वीडियो के माध्यम से, आप लोग मतलब वीडियो में जरूर बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जो स्पेशल जानकारी है वहाँ का, गांव वाला 108 और आरके मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा ना। जी जी। तो फाइनली हम लोग 50 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पहुंच चुके हैं नहर सिंह समस्तीपुर, और इस वक्त हम लोग गुमती पे जी और रेल का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन का जैसे ही क्रॉस करती है फिर हम लोग चलेंगे अपने गंतव्य की ओर। महाराजा चलिए, लगभग कह सकते हैं कि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बंदूरा। शहर में हवा कम महसूस हो रही थी, तो आगे भी चेक करवाते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ की जरूरत होगी जितनी हवा की उतना डलवाएंगे, फिर हम लोग अपने सफर की ओर बैठेंगे। देखिए राजा भी जो है लाल टमाटर जैसे दिख रहे हैं। ओ टमाटर भाई साहब, एक बार हेलो बोल दीजिए। दोस्तों पता है टायर में 0% हवा था और लगभग हम लोग 2 घंटा सफर तय किए हैं, लगभग 100 किलोमीटर का फासला तय किए हैं। हाँ, पता चल रहा था कि इसमें हवा नहीं है, लेकिन ट्यूबलेस टायर होने का फायदा यही होता है। अभी भाई साहब चेक किए हैं तो पता चला है कि इसमें जो पुराना पंचर था उसमें ही पंचर निकला है। अभी पंचर बनवाते हैं, हवा दिलवाते हैं। एक बार बताएं, अभी तक पिछला में बहुत सारा पंचर हुआ है, लेकिन अगला में कोई पंचर नहीं हुआ, सब जोर पिछले पर। तो लीजिए, हम लोग पटना के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो पटना का जो है वह 13 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर उतर के हम लोगों का लोकेशन सर्च कर रहे हैं। अगर इसी पार हुआ तो इसी लेकर के चले जाएंगे, लेकिन उस पार हुआ तो उस पार चले जाएंगे, तो आने जाने में लंबा चला जाएगा। अभी सुबह बज रहे हैं यानी 3 घंटा हो गए ना, ठीक है, 3-3.5 घंटा लगे जाता है ट्रैफिक का। दोस्तों ये रहा महात्मा गांधी सेतु, को पार करेंगे और जल्द ही हम लोग नवोदपुर पहुंचने वाले हैं। लगभग 13 किलोमीटर का फासला है, वह रूट जो बता रहा था उस पार का बता रहा था 13 किलोमीटर। जैसे ही हम लोग पास आए तो पता चला हम लोग पीछे जहां पे रुके थे मजदूर चौक था, वहां पे लोग इकट्ठा खड़े होते हैं वहां पे, और लोग जो है मजदूरी के लिए हायर करते हैं। ये रहा आपका आपका गांधी सेतु, हम आपको सफर करवाते हैं और हम लोग लग रहे हैं टूरिस्ट की तरह। देखिए दो दो हेलमेट है, दो दो लोग हैं, एक बैग नहीं दो दो बैग है, और काफी अंदर से खुशी फील हो रही है। दूसरी बार पटना आए हैं, ये तो भाई साहब बहुत करीब कई बार आ चुके हैं, डबल लेन है। चलिए आपको भी जो है एंजॉय करवाते हैं। देखिए औद्योगिक क्षेत्र, सौर ऊर्जा क्षेत्र, और कितने हाइट पर है निचला लेवल देखिए, पूरा ये गंगा नदी का एरिया है, इसलिए इतना हाइट बनाया गया। फाइनली सुबह के बज रहे हैं 10 और इस वक्त हम लोग यानी हम पहुंच चुके हैं प्रेत पाली मठ नवोदपुर। ये वही मंदिर है जिस मंदिर के बारे में अभी जिक्र किया जा रहा है, और हमारे जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं श्री कृष्ण श्री धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, वो यहीं पे आने वाले हैं। और ये वही भव्य मंदिर है, हालांकि इसके निर्माण पेंटिंग का कार्य भी चल रहा है, और यहाँ पर हमारे राजा जी बैठे हैं जो हमारे बाबा से यहाँ स्थानीय जानकारी ले रहे हैं। चलिए बैठ, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम जो है अभी यज्ञशाला में आराम कर रहे थे, एक वीडियो भी पब्लिश कर दिए हैं, और अब जा रहे हैं कथा पंडाल के पास, वहाँ का सीन जो है शूट करेंगे।
फिर जो है देखते हैं कितने बजे तक यहाँ से निकलना होता है। राजा भैया का जूता वहाँ पे था, हमारा जूता उसी के पास था। ये रहा ना बाइक। अभी हमारे बाबा जी जो है हमें भरोसे हैं, यही बाबा हैं जो इस मंदिर ट्रस्ट से संबंधित सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। तो फाइनली हम लोग जो है प्रसाद ग्रहण करके बाहर आ चुके हैं और ये रहा अपना यातायात साधन। और इस वक्त से जो है मल्टीपल जो है लोग आ रहे हैं, और प्रेस आ रही है, ब्लॉगर्स आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं और इस चीज़ों को कवर करके अपने सितारे में भर के जा रहे हैं। बज रहे हैं 3:22 और हम लोगों ने अभी नाश्ता भी किया है जो पूरी साथ में लाए थे, और इसी गांव में रूम का भी बात करने राजा गया है, इसीलिए हम अकेले जा रहे हैं बाइक लाने। रूम का बात करेंगे या फिर इस मठ में अभी रहने के लिए व्यवस्था जो है जो बाबा थे उन्होंने कर दी है, अगर गांव में रूम नहीं मिला तो मठ में रह लेंगे। तो चलिए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, जाते जाते देखते हैं कितना बत्ता है। इस वक्त हम पटना के सोसाइटी में घूम रहे हैं, प्यास लगी है, पानी पी रहे हैं। एक्चुअली मैं महसौस में एक पटना निवासी का इंटरव्यू वीडियो बनाए थे, उनसे बातचीत हो रहा था, उन्हीं के घर पे आए हैं, लेकिन वह जो लोकेशन बताए थे उस लोकेशन पर तो आ गए हैं, तो ये लोग आ रहे हैं। उनसे मिलने से पहले बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी तो पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे घर की ओर। लगभग 1.5 घंटा बाइक चलाते हुए लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय किए हैं, और इस वक्त चाय पी रहे हैं, खत्म हो गया है, एक चाय और मांग रहे हैं। दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 7:15 और ऐसे में हम लोग पहुंच चुके हैं छजोरी चौक, और यहां से लगभग 70 किलोमीटर और हमें सफर तय करना है। हम खाएंगे मीठा पान और भैया ठंडा पीने के जो ये चाह रहे हैं उन्हें मिलता है कि नहीं, और अपनी जो गाड़ी है सामने लगे हैं। चलिए पान खाते हैं और चलते हैं सफर। ग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बीते 3 मई से महारुद्र यज्ञ की शुरुआत हुई है और 13 मई तक आने वाले समय में यह चलती है।